क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों सबसे तगड़ा बस एक ही सवाल का है कि क्या बीसीसीआई के सचिव जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अगले चेयरमैन हो सकते हैं। मौजूदा आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कली का कार्यकाल नवंबर 2024 में पूरा हो रहा है। वो दो बार आईसीसी चेयरमैन रह चुके हैं, कह चुके हैं कि तीसरी बार इस पद पर नहीं बैठना चाहता। तो जाहिर है कि कोई नया चेहरा आईसीसी चेयरमैन पद पर बैठेगा जो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स में से ही कोई एक हो सकता है, और मौजूदा बोर्ड मेंबर्स में जय शाह को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तो आज स्टूडियो में हम इसी पद के इतिहास और उससे जुड़े घटनाक्रम को जानेंगे कि आईसीसी का चेयरमैन कौन बन सकता है, इसका चुनाव होता कैसे है, और अब तक भारत से कौन कौन आईसीसी के टॉप जॉब्स तक पहुंचा है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जटिलता का विलोम आसान भाषा में। पहले फटाफट आईसीसी का इतिहास जानते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, इतना आप जानते हैं। इसकी नींव पड़ी थी आज से 115 साल पहले 1909 में। आज से हमने इसलिए कहा क्योंकि 2024 में ये वीडियो शूट हो रहा है। जगह थी लॉर्ड्स का एक कॉन्फ्रेंस रूम, और इसके शुरुआती मेंबर्स थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। तीन देश क्यों? क्योंकि यही वो तीन देश थे जो उस वक्त टेस्ट मैचेस खेलते थे। साउथ अफ्रीका ने सजेस्ट किया कि क्यों ना तीन देश मिलकर एक इंपीरियल क्रिकेट बोर्ड बना लें जो तीनों देशों के बीच टेस्ट मैचेस के लिए नियम कायदे वगैरह बनाएगा, बल्कि तीनों देशों के बीच ट्रायंगुलर टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए। इंग्लैंड ने मान लिया। ऑस्ट्रेलिया पहले तो राजी नहीं हुआ, मगर थोड़ी मान मनोबल के बाद वो भी ऑन बोर्ड हुआ और इस तरह बना इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। धीरे धीरे टेस्ट मैचेस खेलने वाले अन्य देश भी इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने की कोशिश में लग गए, क्योंकि क्रिकेट पॉपुलर होता जा रहा था और इन देशों में भारत भी था। 1926 में हिंदुस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ भी आईसीसी का हिस्सा बने। वेस्ट इंडीज़ ने पहला टेस्ट 1928 में, न्यूजीलैंड ने 1929-30 में और इंडिया ने 1932 में खेला। 1952 में पाकिस्तान भी आईसीसी का मेंबर हुआ। आईसीसी हर साल अपने मेंबर्स के साथ मीटिंग आयोजित करती थी जिसमें अगले टेस्ट मैच टूर का शेड्यूल तय होता, पिच को लेकर चर्चा होती, और इसी बीच 1961 में साउथ अफ्रीका आईसीसी से बाहर हुआ। 1964 में पाकिस्तान ने नॉन टेस्ट मैच प्लेइंग देशों को भी इस ग्रुप का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया। इसे मान भी लिया गया और आईसीसी का नाम बदला गया, एक्रोनिम वही रहा लेकिन फुल फॉर्म इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया। 1966 आते आते यूएसए, फिजी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, बर्म्यूडा और ईस्ट अफ्रीका को भी शामिल किया गया, मगर ये देश एसोसिएट मेंबर्स थे, यानी ऐसे मेंबर जो टेस्ट मैच नहीं खेलते, मगर आईसीसी का हिस्सा ये फिर भी हैं। कुल मिलाकर आईसीसी क्रिकेट खेलने वाले देशों का एक अच्छा खासा समूह बन गया। इसी ग्रुप के मेंबर्स ने 60 ओवर वाला वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कराने का सुझाव दिया और पहली बार इंग्लैंड में 1975 में वर्ल्ड कप हुआ वनडे। मेंबर देशों के मिलने का, आपस में मैच खेलने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा आगे। नए एसोसिएट मेंबर्स इससे जुड़ते गए और इस तरह वर्ल्ड कप साल दर साल और निखरता गया। 1989 में आईसीसी का नाम फिर से बदला। अगेन एक्रोनिम तो वही रहा आईसीसी, मगर फुल फॉर्म बदला, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से बदलकर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। 1997 में आईसीसी को एक ठोस रूपरेखा मिली, बतौर एक कंपनी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, यानी एक बोर्ड बना और उसके प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बने, मेंबर चुने गए। हिंदुस्तान के जगमोहन डालमिया आईसीसी के पहले प्रेसिडेंट थे। तब तक इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल भी बन चुकी थी, लेकिन आईसीसी से वो अलग थी। 2005 में उसे भी आईसीसी में मिला दिया गया कि जब बात क्रिकेट की है तो मैन वुमेन के लिए अलग बॉडीज का मतलब नहीं है, और इस तरह आईसीसी मैन और वुमेन दोनों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन गया। ये हुआ हिस्ट्री पर लेसन। आईसीसी के काम पर आते हैं। इसका मेन काम दुनिया भर में क्रिकेट का विस्तार, खेल के लिए नियम कायदे कानून बनाना वगैरह है, पॉपुलर करना और उसे एडमिनिस्टर करना, रूल्स बनाना, कौन सही है कौन गलत तय करना। आईसीसी के मेंबरशिप किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, किसकी मेंबरशिप ख़त्म होगी, ये सब बोर्ड में तय होता है। जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं उन्हें आईसीसी ऑर्गेनाइज कराती है, जो आईसीसी के मैचेस होते हैं। जैसे अलग अलग फॉर्मेट के जो आईसीसी वर्ल्ड कप्स हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, ये आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं। नियम तोड़ने पर टीम, अधिकारी या खिलाड़ी पर क्या पेनल्टी लगेगी, उनका निलंबन होगा या नहीं होगा, इसका फैसला भी आईसीसी ही लेता है।
इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम प्लेयर्स इन सब की जो रैंकिंग आती है वो भी आईसीसी तय करती है। कई बार जो मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग या फिर डोपिंग के मामले आते हैं इनकी जांच करना भी आईसीसी का ही काम है। उसके बाद डिसीजन देते हैं कि बैन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। आईसीसी के मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स बेचना, मैचेस में स्पॉन्सरशिप लाना और पार्टनरशिप डील लाना, ये सब आईसीसी का काम है ताकि क्रिकेट में पैसा आता रहे, ये इवेंट चलता रहे। और बतौर बॉडी आईसीसी को जो भी कमाई होती है उसे मेंबर्स के बीच में बांटा कैसे जाएगा, इसका फैसला भी आईसीसी ही करती है। बहरहाल आईसीसी का इतिहास और उसके क्या काम है ये बताने के पीछे एक मकसद था कि आप ये समझें कि आईसीसी चेयरमैन का पद क्रिकेट की दुनिया में कितना अहम होता है। आज की तारीख में आईसीसी चेयरमैन वर्ल्ड क्रिकेट की हाईएस्ट बॉडी में हाईएस्ट पोजीशन है। लेकिन 2014 से पहले आईसीसी चेयरमैन पद जैसा कुछ होता ही नहीं था। यह पद 2014 में आया, वो भी बतौर ऑनररी पोजीशन, मतलब इस पोजीशन के लिए कोई नियम शर्त वगैरह नहीं थी, सम्मान के तौर पर किसी को चेयरमैन बनाते थे। उससे पहले तक आईसीसी के प्रेसिडेंट ही काउंसिल को हेड करते थे। टोटल दो भारतीय आईसीसी प्रेसिडेंट्स रहे हैं, पहले तो जगमोहन डालमिया हमने बता दिया, उनके अलावा शरद पवार भी आईसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। बहरहाल 2014 में आईसीसी के नियमों में कुछ बदलाव हुए और आईसीसी चेयरमैन का पद बना। बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन 26 जून 2014 को आईसीसी के पहले चेयरमैन बनाए गए। चूंकि ये पद ऑनररी था इसलिए 2014-15 तक आईसीसी में प्रेसिडेंट चेयरमैन दोनों थे, यानी 2014-15 के दौरान श्रीनिवासन चेयरमैन थे तो मुस्तफ़ा कमाल आईसीसी के प्रेसिडेंट थे। बड़े फैसले वगैरह प्रेसिडेंट यानी मुस्तफ़ा कमाल के हाथ में थे। श्रीनिवासन ने 9 नवंबर 2015 को इस्तीफा दिया। 22 नवंबर 2015 को इंडिया के ही शशांक मनोहर आईसीसी के अगले चेयरमैन हुए और उधर पाकिस्तान के जहीर अब्बास आईसीसी के प्रेसिडेंट बने। 2016 में आईसीसी के नियमों में फिर बदलाव हुआ, ऑनररी चेयरमैन के पद को परमानेंट बनाया गया और आईसीसी प्रेसिडेंट का पद ही उड़ा दिया गया। इस तरह अप्रैल 2016 में शशांक मनोहर आईसीसी के पहले इंडिपेंडेंट इलेक्टेड चेयरमैन बने। शशांक मनोहर ने 4 साल 221 दिनों तक बतौर आईसीसी चेयरमैन अपनी सेवाएं दी, लगभग 5 साल ही कह लीजिए आप। उन्होंने 30 जून 2020 को आईसीसी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया। उनके बाद आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन जो कि सिंगापुर से थे, इमरान ख्वाजा, इन्हें अंतरिम चेयरमैन बनाया गया। नवंबर में चेयरमैन की नियुक्ति के लिए चुनाव हुए। 24 नवंबर 2020 को न्यूजीलैंड के एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेग बाकले को नया चेयरमैन चुना गया। 2 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद 2022 में फिर चुनाव हुए, बाकले फिर से आईसीसी के चेयरमैन चुन लिए गए। मतलब 2 बार ये अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं मगर अब उन्होंने तय किया है कि वो तीसरे कार्यकाल के लिए अप्लाई नहीं करने वाले हैं। आईसीसी के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। उसके अनुसार बाकले ने कहा है कि वो अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद पद छोड़ देंगे। कार्यकाल इनका 30 नवंबर 2024 को खत्म हो जाएगा। नया कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा और आईसीसी ने कहा है कि बोर्ड मेंबर 27 अगस्त तक चेयरमैन पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अब चेयरमैन के चुनाव पर आते हैं। आईसीसी चेयरमैन का चुनाव आईसीसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है। आईसीसी की वेबसाइट के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 18 लोग हैं, 12 फुल टाइम मेंबर्स, 3 एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर्स, 1 चेयरमैन, 1 सीईओ और 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। फिलहाल इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर का पद है खाली। इस तरह फिलहाल बोर्ड में चेयरमैन को मिलाकर 17 लोग हैं। अब चेयरमैन बन कौन सकता है? कोई बहुत बड़ी नियम शर्तें नहीं है। चेयरपर्सन बनने के लिए किसी व्यक्ति को बोर्ड में मौजूदा या पूर्व डायरेक्टर होना चाहिए, यानी बोर्ड पे होना चाहिए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वही शामिल हो सकता है जो सदस्य देश आईसीसी के मेंबर कंट्री में पहले से किसी और पोजीशन पर नियुक्त ना हो। चेयरमैन बनने के बाद वो शख्स आईसीसी के मेंबर या एसोसिएशन के लिए कोई भी एग्जीक्यूटिव या ऑपरेशनल पद की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यानी अगर जैसा जाते हैं इस पद के लिए तो उन्हें बीसीसीआई में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वहां से वो रिजाइन करेंगे। सभी डायरेक्टर्स चेयरमैन के लिए किसी एक डायरेक्टर का नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ही नाम को नॉमिनेट करेंगे तो चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम अगर रेकमेंड किए जाते हैं अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग डायरेक्टर्स द्वारा, तो सीईओ को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों के पास वोटिंग राइट होता है। हर सदस्य के पास एक वोट है, मतलब सीईओ को आप छोड़ेंगे तो फिलहाल जब हम अगस्त 2024 में ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 16 वोट पड़ सकते हैं इस चुनाव में। चुनाव जीतने के लिए 51% वोट चाहिए, यानी 9 वोट्स की आपको ज़रूरत है।
आईसीसी के संविधान के मुताबिक चेयरमैन की चुनाव प्रक्रिया क्या होगी इसका फैसला भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी कर सकते हैं आईसीसी में, लगभग ऐसी स्थिति है। आईसीसी का अपना एक संविधान भी है जो बेसिकली उसका रूल बुक है, उसके मुताबिक फिलहाल चेयरमैन की चुनाव प्रक्रिया एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी करती है। अब इस थर्ड पार्टी का चुनाव भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करते हैं। वोटिंग के लिए बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होता है। हालांकि ESPN क्रिक इन्फो की वेबसाइट के मुताबिक 2020 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वोटिंग के लिए बैलेट बॉक्स के इस्तेमाल पर एतराज जताया था। आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टर्स के वोटिंग राइट्स के बारे में बात करता है। उसके मुताबिक चेयरमैन के चुनाव ऐसे मसलों पर जहां डायरेक्टर्स के मत की ज़रूरत हो हाथ उठाकर अपना मत जाहिर कर सकते हैं और उस आधार पर फैसला हो सकता है। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर्स कहते हैं कि उक्त मामले में सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होना चाहिए तो उस केस में बैलेट का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रक्रिया में कोई बदलाव हुआ नहीं है। आईसीसी चेयरपर्सन का कार्यकाल 2 साल का है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक एक चेयरपर्सन अधिकतम 6 साल तक पद पर बने रह सकता है। आप लगातार 6 साल भी रह सकते हैं, टुकड़ों में भी 6 साल रह सकते हैं। लेकिन क्रिकबस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार आईसीसी चेयरमैन की नियुक्ति 3 सालों के लिए होगी। आईसीसी ने डायरेक्टर्स को चेयरमैन का नाम नॉमिनेट करने के लिए 27 अगस्त तक की तारीख दी है। चेयरमैन की नियुक्ति होने के साथ ही डेप्यूटी चेयरमैन का भी चुनाव किया जाता है। उसका कार्यकाल भी चेयरमैन के कार्यकाल तक रहता है और चेयरमैन के ना रहने पर डेप्यूटी चेयरमैन कामकाज देखते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन मौजूदा डायरेक्टर्स में से ही किसी एक को बनाया जाता है और इसका चुनाव भी बोर्ड मेंबर्स ही करते हैं, जैसे इस समय इमरान ख्वाजा डेप्यूटी चेयर हैं। फिलहाल BCCI के सचिव जय शाह को ICC चेयरमैन का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जय शाह ICC की सबसे पावरफुल फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स FNCA कमेटी को हेड करते हैं। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के भी प्रेसिडेंट हैं। बतौर BCCI सचिव जय शाह को कार्यकाल पूरा करने में 1 साल बचा है। अक्टूबर 2025 तक के टेन्योर है। इसके बाद नेशनल क्रिकेट बॉडी में किसी पद पर नियुक्त होने के लिए 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है। मतलब 3 साल नेशनल क्रिकेट बॉडी से वो दूर रहेंगे BCCI से। इस दौरान वो किसी स्टेट क्रिकेट बॉडी में पोजीशन ले सकते हैं। 3 साल का गैप पूरा करने के बाद वो फिर से नेशनल बॉडी में किसी पोजीशन पर जा सकते हैं चाहेंगे तो, या जैसा कि खबरें चल रही हैं ICC के चेयरपर्सन भी रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 35 साल के जय शाह ICC के अब तक के इतिहास में सबसे युवा चेयरमैन होंगे। नॉमिनेशन फाइनल होने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है, मतलब आज से ठीक 5 दिन बाद पता चल जाएगा कि जय शाह चेयरमैन पद के लिए अपना नाम भेजते हैं या नहीं। अगर वो भेजते हैं और जीत भी जाते हैं तो वो ICC चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने वाले 3रे भारतीय होंगे। आज के लिए इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी इस एपिसोड को लिखा था उपासना ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था मयंक ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।